अकॉर्डिंग लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस कल जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें लॉस आ गया था, तो ट्रीट आज जरा लॉसेस पहले सारे डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर देखते हैं कल वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था। तो कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, कुछ एंट्रीज आपने करवानी है। कॉस्ट अकाउंटिंग किस डिस्कशन में लॉसेस दो तरह के होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस इन दिस डिस्कशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिन्हें नॉर्मल लॉस बोलते हैं, और इसी के अगेंस्ट लॉसेस नॉर्मल से अगर ज्यादा हो जाए तो अब नॉर्मल लॉस भी होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस। पहले 5-7 मिनट मेरी बात जरा गौर से सुननी ताकि जरा डिफरेंशिएट हो जाए, उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका जहन में आ गया तो फिर बताइए। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस है, कौन कौन से? जरा दरवाजा बंद कर, बैठे सर, प्लीज हैव अ सीट सर, फाइनल सीन है सर। नॉर्मल लॉस के नीचे लिखें एक ऐसा लॉस जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड लॉस विच इज अनकंट्रोलेबल, एक ऐसा लॉस जो होना ही होना है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऐसा लॉस कहलाता है नॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस एक्सपेक्टेड है, कंट्रोल में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसने हो ही जाना है, ऐसा लॉस क्या कहलाता है? अब नॉर्मल लॉस मींस होता है अनएक्सपेक्टेड लॉस, होना नहीं चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड लॉस विच शुड बी कंट्रोल्ड, जिसे कंट्रोल भी करना चाहिए था बट हैज नॉट बीन कंट्रोल्ड, लेकिन इसलिए हो गया कि उसे कंट्रोल नहीं कर सके। अनएक्सपेक्टेड लॉस विच शुड बी कंट्रोल्ड बट हैज नॉट बीन कंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं कर सके, इस वजह से अगर लॉस हो गया, होना नहीं चाहिए था हो गया है, तो ऐसा लॉस फिर अब नॉर्मल कहलाता। अगर लिखने अगर बता दीजिए, तो प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। अब प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऐसे विजुलाइज करना जरा हमारे लिए मुश्किल है, इसको समझने के लिए जरा एक आसान सी एग्जांपल को जरा बेस बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सब जरा विजुलाइज करें, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज होता है, सीमेंट बैग्स यूज होते हैं, तो एक सीमेंट बैग जरा जहन में लाए। सीमेंट बैग को जब ओपन करेंगे आप, तो जितनी मर्जी केयर कर लें, कुछ ना कुछ सीमेंट के जर्रात गिर ही जाएंगे, बल्कि तो अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो कहीं ज्यादा ही ना गिरते। विजुलाइज करें कैंडी क्या खुल रहा है, उसको यूज किया जा रहा है, कुछ ना कुछ सीमेंट के जर्रात जाया हो ही जाने हैं, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है?
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन रही है और आपने 100 बैग्स खरीद के रखे हुए ताकि जैसे जैसे जरूरत पड़े अब यूज कर लें, लेकिन रातों रात कोई साहब ऐसे है जिन्हें सीमेंट बैग्स की जरूरत थी, उन्होंने कहा ये पड़े हुए यार आप वहां नहीं थे, उसने कहा यार कमाल है यार सीमेंट बैग्स, उसने कोई गाड़ी मंगवाई और सुबह जब आप पहुंचे तो जिसको जरूरत थी वो ले गया। नॉर्मल होना ही होना है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो गार्ड बैठा लेना चाहिए था, कुछ कोशिश कर लेनी चाहिए थी, कंट्रोल हो सकता था, लेकिन अगर गार्ड भी था वो भी इंसान है, उसकी आंख लग गई, तो अगर बैग चोरी हो जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो वो लॉस जो हो ही जाना है, हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ नहीं कर सकते, और लॉस क्या कहलाएगा? नॉर्मल, और अगर एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हो गया, एबनॉर्मल। अब लेट्स सेम 5% लॉस एक्सपेक्टेड था, तो 5% क्या कहलाएगा? नॉर्मल, लेकिन 6% हो गया, तो 6% एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मल से जब हुआ 1% वो एबनॉर्मल है, अगर एक्सपेक्टेड था ही नहीं और 2% लॉस हो गया तो सारा का सारा नॉर्मल ही हो गया। तो एक्सपेक्टेशन से जितना ज्यादा हो गया वो फिर एबनॉर्मल लॉस कर रहा है। अब इसे ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में भी अगर आप रॉ मटेरियल इनपुट करें तो कुछ ना कुछ एवेपोरेशन से लॉस समटाइम्स हो ही जाता है, तो ऐसा लॉस जो हो ही जाना है वो नॉर्मल है। कुछ केमिकल्स बाय नेचर ऐसे होते हैं जो एवेपोरेट कर जाते हैं, जिसका अब वो हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर परफ्यूम्स का कभी सुना हो आपने या देखा हो, तो अगर कुछ ऐसा परफ्यूम की बॉटल आप यूज ना भी करें तो वो कुछ ना कुछ कम होती जा रही होती है, तो वो जरा एवेपोरेट हो रहा होता है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम की बॉटल टूट गई और देयरफॉर परफ्यूम जाया हो गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन अगर हो गया है तो ऐसा काम जो होना ही है, ऐसा लॉस जो होना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। और अगर एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हो गया तो वो अब नॉर्मल कहलाएगा। एक जरा दिल के नजदीक एग्जाम्पल सोच के बस आगे चलते हैं। एग्जाम हॉल जाइन मिला है, अकाउंटिंग का पेपर है, एक आध सवाल ना भी आता हो तो खैर ये इतना भी इशू नहीं है, एक्सपेक्टेड होता ही है शायद, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई चले जाए बगैर पढ़े उसके लिए वो भी नॉर्मल होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा ना आता हो वो शायद फिर अब नॉर्मल हो आप जैसे लोगों के लिए। आई होप कि कम से कम ये वाली बात समझ आ गई, तो वापस वापस आ जाए क्लास में ही आ जाए, फिलहाल क्या समझ आया? नॉर्मल अब नॉर्मल अगर एक लॉस एक्सपेक्टेड है कंट्रोल नहीं हो सकता। अब जरा ब्रैकेट्स पढ़ लें, जरा ब्रैकेट्स में क्लियर, ब्रैकेट्स पढ़ें जरा, फर्स्ट ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट के, लॉस हो ही जाना है, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल कहलाएगा, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड नहीं था फिर भी हो गया, कंट्रोल करना चाहिए था नहीं कंट्रोल कर सके, तो वो लॉस होना हो जाए तो अब नॉर्मल कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि फिर इनका ट्रीटमेंट क्या है, अगर किसी फैक्ट्री में नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको समझने के लिए छोटी सी एक एग्जाम्पल बना लें, लिख के कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है जो शायद हर टॉपिक में आगे जाके आ जाए, तो मैं इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की पेज पे लिखें, तो सीक्वेंस में जरा एक एग्जाम्पल बना लें, तो एक एग्जाम्पल लिखा जरा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए मेरे, आप लोगों की तो नहीं कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा समझ आ गया निचली, बाकी इंशाल्लाह अभी मैं डिस्कशन करते हैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। कॉस्ट की क्लास में शुरू से ही लेके मुसलसल और जब तक क्लास एंड ना हो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाईएस्ट, अपने की जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। डन है प्लीज? तो लेट्स अज्यूम, एक एग्जांपल लिखा जरा, 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर इम्पोर्टेड एट द रेट ऑफ सपोज 500 रुपीज पर यूनिट। देखें यहाँ पे 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट मीन्स परचेज किया, लेकिन पाकिस्तान से सपोज बाहर से परचेज किया, कैलकुलेटर्स पकड़ना है।
परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। वन थाउजेंड यूनिट्स एट द रेट ऑफ 500 रुपीस पर यूनिट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस की ये परचेज है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, ये वर्किंग लिखी, वर्किंग भी लिखने पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे इकट्ठे हो जाए। नेक्स्ट लाइन, इट इज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट 50 यूनिट्स विल बी ऑफ नो यूज। 1000 यूनिट्स आपने परचेज किए एट द रेट ऑफ 500 पर यूनिट, लेकिन सपोज ये आपको एक्सपेक्टेड था कि 50 यूनिट्स जो होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे। लिख लें फिर सोचते हैं। क्या पहले ही पता था तो फिर ना खरीदते? ये नहीं पता था। नहीं, फिर खरीदे क्यों अगर पहले ही पता था? 950 खरीद लेते ना फिर यार, फिर उसमें से कुछ। मैंने जो 50 लिखा है ये एग्जैक्टली 5% बनता है। 50 अगेंस्ट देखें 1000 अगर आप, तो 5% बनता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 1000 खरीदेंगे तो उसी में से 50 एक्सपेक्टेड था कि नहीं यूज किए होंगे। अगर आप 100 खरीदते फॉर एग्जाम्पल, तो 5 पहले ही अंदाजा था। समटाइम्स चीजें जब बाहर से आती हैं तो सेकेंड हैंड भी हो सकती हैं, पुरानी चीजें भी आ सकती हैं। तो हिस्ट्री हमारे बिजनेस की ये है कि जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो सपोज 5% जो गुड्स आती हैं वो फिर डिफेक्टिव होती हैं या उनका कोई यूज होता नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन ना हो, ये भी हो सकता है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड कि नो यूनिट शुड बी ऑफ एनी यूज, सारे सही निकल आएंगे, ये भी हो सकता था। जस्ट फॉर सेक ऑफ सिनेरियो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि 1000 यूनिट्स इंपोर्ट किए और हमें पहले ही अंदाजा था बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस। जब हम पहले चीजें मंगवाते हैं उसकी हमारी बिजनेस की हिस्ट्री ये कहती है कि अगर 1000 मंगवाएंगे तो उनमें से 50 ऐसे ही होंगे जिन्होंने अल्टीमेटली यूज नहीं होना। इट मीन्स फिर कितने गुड यूनिट्स होंगे? ये गुड का क्या मतलब है? गुड यूनिट्स जो सही होंगे, जो यूज होंगे। अब ये जो सेंटेंस मैंने लास्ट लिखा है आपके सामने, इट इज एक्सपेक्टेड वाला, इट वाज एक्सपेक्टेड वाला, ये बताइए 50 यूनिट्स का लॉस एक्सपेक्टेड था तो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? ब्रैकेट में लिखें, नॉर्मल लॉस है। अगर लॉस एक्सपेक्टेड है तो कौन सा होता है? नॉर्मल लॉस। अब लेट्स अज्यूम फर्स्ट सिनेरियो ये है कि 1000 यूनिट्स आपने जो इंपोर्ट किए, वाकई जब ये 1000 यूनिट्स आपके पास पहुंचे तो 50 यूनिट्स उसमें सही नहीं थे, जो एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल भी हो गया। क्या ये एक्चुअल एक्सपेक्टेड से डिफरेंट भी हो सकता है? एक्सपेक्टेशन एक्चुअल से डिफरेंट भी हो सकती है। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 बनाए, एक्चुअल लॉस इज 50, विच मीन्स इक्वल टू नॉर्मल लॉस, सॉरी एक्चुअल लॉस इज 50 यूनिट्स विच मीन्स इक्वल टू नॉर्मल लॉस। क्या चीज किसके इक्वल सपोज होगी? एक्चुअल लॉस का मतलब जब यूनिट्स हमारे तक पहुंचे तो वाकई उसमें 50 ही लॉस निकले, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्चुअल लॉस हो गया। एनी कंफ्यूजन? अब आइए जरा इस लॉस के बारे में सोचते हैं कि इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। हमने कितने यूनिट्स खरीदे हैं?
हजार एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, 5 लाख की टोटल परचेज है। ठीक है बेटा, अगर 50 यूनिट्स पहले ही एक्सपेक्टेड था कि लॉस होंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि बेसिकली 5 लाख रुपया हमने 950 गुड यूनिट्स ही का दिया है। लेकिन इन्हें 5 लाख कितने यूनिट्स का दिया है, हजार। लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेड था कि 50 यूनिट्स हजार ही होंगे, तो क्या हम कह सकते हैं 5 लाख की फाइनली कॉस्ट ऑफ 950 यूनिट्स। अब वो लॉस तो एक्सपेक्टेड ही है, उसकी फिर एज एन अकाउंटेंट आपको कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक लॉस होना ही होना है, आप उसका कर ही कुछ नहीं सकते, तो आपको उसकी टेंशन लेना जरूरी नहीं है, वैसे ही अपने आप को परेशान करने वाली बात। हाँ, कौन से लॉसेस की जरूर टेंशन होनी चाहिए, अब नॉर्मल लॉस क्यों उनकी क्यों होनी चाहिए, वो नहीं होने चाहिए थे, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था। बल्कि फिर ये भी होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसे कंट्रोल करना चाहिए था, क्यों कंट्रोल नहीं हो सका, ताकि शायद उसे फिर पूछगिछ भी हो सके। लेकिन अगर एक लॉस होना ही होना था, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसे ही किसी से को पूछ के परेशान होके कोई टेंशन का फायदा नहीं है। तो सिंपली नॉर्मल लॉस के केस में क्या होगा कि हम यही कंसिडर करेंगे कि 5 लाख रुपया हमने 950 गुड यूनिट्स का दिया। इन अदर वर्ड्स, नॉर्मल लॉस पे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो जाएगी। क्या मतलब, कैलकुलेटर पहले पकड़े, 5 लाख रुपया लिखें, यकीनन 5 लाख रुपया कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, हजार हजार हजार। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे भी कॉस्ट इंकर हुई है, इंकर हुई है, इंकर हुई है, लेकिन वो जो कॉस्ट इंकर हुई है वो नॉर्मल लॉस को एलोकेट नहीं होगी, वो रिमेनिंग यूनिट्स मींस 950 यूनिट्स की ही कॉस्ट कंसिडर होगी। इट मींस 5 लाख को डिवाइड करें, कितने से डिवाइड करें, क्या समझ रहा है, 950 से डिवाइड करें। एक यूनिट की कॉस्ट क्या थी, 500। ये आपका आंसर 526 समथिंग आ रहा है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, किसकी कॉस्ट कहाँ चली गई है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट्स मींस रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, लिखे पहला पॉइंट, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू नॉर्मल लॉस, इंस्टेड इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय रिमेनिंग यूनिट्स। क्यों नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट नहीं होती है, देखिए अगर नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करके वो कॉस्ट सामने रख लें, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करके सामने रख लें, तो ऐसी टेंशन है मुक्ति, उस टेंशन में जाने की जरूरत ही क्यों नहीं है। आप कर कुछ नहीं सकते यार, क्या अब नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी चाहिए, उसको तो होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कितना नुकसान हो गया है, फिर किसकी वजह से हुआ। लेकिन नॉर्मल लॉस का कॉस्ट इसलिए एलोकेट नहीं होती क्योंकि उस कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिंपली अपना नसीब समझ के आप क्या ज्यूम कर लेंगे कि 5 लाख रुपया है ही कितने यूनिट्स की कॉस्ट, 950 मींस रिमेनिंग यूनिट्स की कॉस्ट। एक वर्किंग लिखते हैं नीचे, इन दिस केस क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 950 इज इक्वल टू 526.32। जब भी प्लीज राउंड ऑफ करें, रेट पॉइंट्स में जा रहे हो तो प्लीज दो डिजिट्स आगे जाके कोई बहस नहीं करनी। ये 500 रुपया 526.32 समथिंग में कन्वर्ट क्यों हो गया है, ये ज्यादा क्यों हो गया है, इसका खर्चा कहाँ चला गया है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो गई। एनी कंफ्यूजन जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, यहां तक बात समझ आ गई सबको, जी सी में एक सेकंड पॉइंट लिखा करो।
इसी में का मतलब कॉमन सिनेरियो चल रहा है कि एक्चुअल लॉस 50 है विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड। अब सेकेंड बेटा ये जरूर पॉसिबल है, एक तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो 50 लॉस के यूनिट्स हैं उनका आपने कुछ भी नहीं करना और बस उनको फेंकना है, अगर उनका कुछ भी नहीं होना, कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं थी, आपने फेंकना है तो बस फेंक दें, बात खत्म हो गई। लेकिन इट इज समटाइम्स पॉसिबल कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बेच के कुछ ना कुछ कमाया जा सकता हो, इसमें बाय प्रोडक्ट में चेस होता था ना, तो अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उसके गेंस फिर आपको कैश मिलना है, उस कैश का बस फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। आप जरा जहन अप्लाई करें, आप बताएं क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। 5 लाख हमारी कॉस्ट आई है, 5 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज है, अगर कोई रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस होगी तो उसका क्या होना चाहिए, शायद इस 5 लाख में से नेट ऑफ हो जाना चाहिए। अब चीजें थोड़ी सेग्रीगेट रखनी पड़नी है, बाय प्रोडक्ट जहन में रहें, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, कुछ मिलती जुलती चीजें भी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा। पहली चीज शायद मिलती है, बाय प्रोडक्ट का भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू के 2 ट्रीटमेंट्स है, कौन कौन से भाईजान? अदर इनकम भी बना सकते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट भी नेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के वो बाय प्रोडक्ट कहाँ पे है। लेकिन नॉर्मल लॉस के लिए अदर इनकम वाला ट्रीटमेंट अडॉप्ट नहीं किया जाता है, इसके लिए सिंपली वही ट्रीटमेंट है जो दूसरा वाला है, दैट इज डिडक्शन फ्रॉम द रेलिवेंट कॉस्ट। तो एक सेकेंड पॉइंट में लिखा जरा, इफ नॉर्मल लॉस हैज रिकवरी वैल्यू देन इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज पहले यहां तक तो आ जाए, फिर थोड़ा सा मैंने और ऐड करना, देन इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज से एडजस्ट का मतलब 5 लाख से नेट कर लेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज वर्ड तब होगा जब रॉ मटेरियल में से लॉस हुआ है, कंसंट्रेट करना प्लीज, रॉ मटेरियल खरीदा उसमें से लॉस हुआ है। लेकिन अगर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लॉस हो जाए तो कॉस्ट ऑफ परचेज की जगह वर्ड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अगर लॉस है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नेट कर लेंगे, और अगर रॉ मटेरियल की परचेज में लॉस है तो फिर कॉस्ट ऑफ परचेज, तो इसका वर्ड करना था अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हिम्मत करें, परचेज और प्रोडक्शन में फर्क होता क्या? नहीं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स कहेंगे, सब सोचना। रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल खरीदा है लॉस हो गया तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से परचेज से, और अगर फिनिश गुड्स बनाते बनाते हो गए तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर हुई होगी उसमें से नेट ऑफ करें। ठीक है, कोई एंट्री बता देंगे कि इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, सोच के पता, कैश या रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली क्रेडिट। लेकिन पहले एक वर्किंग और लिख लें, लेट्स अज्यूम डेटा जरा और लिख लें नेक्स्ट लाइन में, लेट्स अज्यूम 50 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस एज अ रिकवरी वैल्यू ऑफ रुपीज सपोज 5,000 सपोज 50 यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस के हुए थे उनकी रिकवरी वैल्यू 5,000। ये रिकवरी वैल्यू वैसे क्या होती है? बेच के जो पैसे मिले हैं, बेच के जो पैसे मिलने हैं रिकवरी उसके अगेंस्ट। ठीक है जी सर, अगर 5,000 रिकवरी वैल्यू है तो पहले तो जरा पर यूनिट वाली वर्किंग में कोई चेंज आएगा जो पार्ट ए में की आपने, जो पार्ट ए में ऊपर वर्किंग की थी 5 लाख डिवाइड बाय 950, इसमें कोई चेंज आएगा सर? कैसे, क्या 5 लाख माइनस 5,000 डिवाइड बाय 950, कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, अगर रिकवरी वैल्यू है तो बस कॉस्ट में से नेट ऑफ होके रिमेनिंग यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सॉल्व कीजिएगा 521.05।
समझ आ रहा है सर क्या हो रहा है? जी इस 5000 को जो बेटा माइनस किए, इसकी एक एंट्री बना के फिर आपसे पूछता हूँ, कोई फाइनल कंफ्यूजन अगर है, एक एंट्री बनवा देता। कैश या रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ परचेज स्लैश, दोनों करके लिखे, कॉस्ट ऑफ परचेज स्लैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट। बाय रुपीज 5000 इन दिस केस, बाकी कहीं मैं यहां रुक रहा हूं, जरा जितना ऊपर लिखा हमने एक नजर रिवाइज कर दीजिएगा प्लीज। क्या करें, जितना आपने यहां तक लिखा है इस लॉसेस की हेडिंग में एक नजर पढ़ें, किसी जगह कंफ्यूजन है तो आगे ना लेके चलिएगा, यहीं रिजॉल्व करें। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पढ़ें। हजरात कभी कभी नजर आते हैं, मैं भी आपको कभी कभी नजर तो नहीं आता। ये मेरे लिए जरा सरप्राइजिंग सा हो जाता है कि काफी सारी क्लासेस मिस होने के बावजूद आप अगली क्लास बड़े आराम से ले रहे होते हैं और सब कुछ समझ आ रहा है। तो मुझे भी बताया कि ना दो चार बीच में क्लासे मैं भी छोड़ दिया करूँ और वो पढ़ाए बगैर इधर आ जाकर। असल में मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है ना, मतलब जो मुझे नहीं पता चल रहा जो आप कर लेते हैं ये कि आप आराम से कवर करके अगले दिन आते हैं, आप जहां भी हो पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, ये चीज मैंने मिस की है बीच में। क्या ख्याल है सर, मेरी आवाज ही ठीक नहीं आई? जी सर, ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है सर? ये बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज में से क्रेडिट करने का यही मतलब है कि असल में हमारी परचेज कॉस्ट थी 5 लाख। कंसंट्रेशन से देखें, परचेज कॉस्ट है 5 लाख, अगर तो कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है तो फिर यही 5 लाख है, लेकिन अगर 5000 इसके अगेंस्ट रिकवर हो गया तो अब हमारी नेट परचेज कॉस्ट 4,95,000 रह गई है ऑफ 950 यूनिट्स। 500 रुपया पर यूनिट ऊपर ढूंढने जाके, हमने एक यूनिट, हमारे एक यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या थी 500, ये 530 वो 526 की हुई थी। जरा सिनेरियो में देखा था, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो गई थी, ये उसके बाद फिर 521 पे क्यों आ गई, ये कम क्यों हो गई, रिकवरी वैल्यू लेस हो। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट तो 950 यूनिट्स एलोकेट हो रही है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू लेस हो गई है, इंक्रीज हुई थी नॉर्मल लॉस की कॉस्ट अब्सॉर्ब होने की वजह से, और डिक्रीज हुई है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू आ जाने की वजह से। ये क्लियर हो गया बेटा आप लोग? एक सेकंड सिनेरियो बनाना शुरू करें। ऊपर जो पॉइंट वन था उसी के अगेंस्ट मैं पॉइंट टू लिख रहा हूँ। पॉइंट वन में दो पॉइंट्स है, एक नजर पड़ेगी जरा आगे चलने से पहले। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट फाइनली अपने वर्ड्स में बता दें, पहला ट्रीटमेंट क्या जेन में रखना है, कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू नॉर्मल लॉस। सेकेंड, इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू it is adjusted against purchase or production cost whichever is the case. Second scenario, let's assume example वही है, let's assume loss was not expected, let's assume loss was not expected but actual loss has फिफ्टी यूनिट्स।
कंसंट्रेट करना है, अब ये करवानी है आप बातें, मतलब इनके कार्डिनल ट्रीटमेंट्स आपने बताने हैं। क्या चेंज कर रहा हूँ उसी ऊपर वाले डाटा में? सपोज लॉस एक्सपेक्टेड कोई नहीं था, लेकिन एक्चुअली 50 हो गया, नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल हो गया। कितना नॉर्मल हो गया, कितना अब नॉर्मल हो गया, सारा ही अब नॉर्मल क्यों हो गया? एक्सपेक्टेड था ही नहीं, एक्सपेक्टेड था ही नहीं। फिर 10 यूनिट लॉस हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, जो भी हो, वो अब नॉर्मल लॉस कहलाए। देखिए ब्रेक, वाई 100% अब नॉर्मल लॉस, नथिंग वॉज एक्सपेक्टेड। बाकी डेफिनेटली नेक्स्ट सिनेरियो ये भी हो जाएगा कि अगर लॉस एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो गया, तो इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। सिनेरियो में चेंज समझ आ गया है, क्या एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉर्मल नहीं है, देयरफॉर सारा का सारा एबनॉर्मल है जी। अब रुक के जरा पहले सोचें, क्या इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से कितने यूनिट्स, सॉरी कितने रुपए का नुकसान हुआ है? इन नॉर्मल लॉस, इस लॉस के यूनिट्स की वजह से कितने रुपए का लॉस हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए पहले तो ये ना। देखिए 25,000 पहले भी है, पहले भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 50 यूनिट से मल्टीप्लाई 500, आप सही वर्किंग करें, 25,000 पहले भी नॉर्मल लॉस था, लेकिन वो हमने अलग से कैलकुलेट करके कहीं नहीं लिखा है। पहला सवाल ये है कि क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पता होनी चाहिए ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो देयरफॉर अब जब 5,00,000 रुपया है, वो कितने यूनिट्स ही की कॉस्ट कहलाएगा? वो 950 यूनिट्स ही कहलाएगा या 1,000 ही की कहलाएगा? अब उसकी बेस में 1,000 ही आएगा, इट मीन्स पर यूनिट में चेंज नहीं आएगा, वो 500 ही रहेगा। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स पे नहीं जाएगी, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे ही एलोकेट होगी, और देन फिर एबनॉर्मल लॉस की कोई डबल एंट्री भी होनी चाहिए, जो शायद आपको पता मैं याद करवाता हूँ। तो पहला इसका पॉइंट नहीं, वो भी मैं याद करवाता हूँ। पहले पॉइंट यही लिखा, कॉस्ट इज एलोकेटेड टू, कॉस्ट इज एलोकेटेड टू एबनॉर्मल लॉस। मतलब पहला जो पॉइंट आपके ज़हन में आया करना चाहिए एबनॉर्मल लॉस के एंगल से, दैट इज कि कॉस्ट एलोकेट होती है एंड इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इसकी डबल एंट्री भी होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका लॉस भी रिकॉर्ड होगा। क्या क्या होता है? कॉस्ट एलोकेट होती है और फिर इस कॉस्ट की डबल एंट्री भी होगी, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये समझ आ रहा है कॉस्ट एलोकेट क्यों हो रही है? ताकि पता चले कितने रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए था, हो गया। आपको ये नजर आते रहना चाहिए ताकि आप डिस्टर्ब रहें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, नेक्स्ट टाइम ये वाला ना हो। क्यों ये ना हो? क्योंकि ये कंट्रोल किया जा सकता था, तो अगर कंट्रोल नहीं किया जा सका तो इंशाल्लाह अगली दफा नहीं होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली दफा इसे कंट्रोल कर लिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आए इसकी वर्किंग कर लें। तरीका बेटा वही होगा, ऊपर 5,00,000 रुपया ढूंढने जरा, क्या 5,00,000 नाम बोले इसका? टोटल परचेज कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स ही करूं? क्या इस 5,00,000 में 950 यूनिट्स की कॉस्ट है? 950 यूनिट्स की कॉस्ट है और 50 की भी है। मैंने ब्रेकअप जस्ट इसलिए लिखा है कि ताकि मेरी बात थोड़ी सी आप अंडरस्टैंड कर सके। पूरा 1,000 ही है, लेकिन 1,000 में क्या क्या है? 50 वो भी है एबनॉर्मल लॉस और 950 रिमेनिंग भी है। डेफिनेटली 1,000 ही है, देयरफॉर पर यूनिट 500 ही रहेगा, विच सिंपली मीन्स एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में एलोकेट नहीं होती है, वो उसी की रहेगी। ठीक है, प्लीज एक थोड़ी फिगर्स आ रही है, इसको सही अंडरस्टैंड करें। ऊपर जाए जरा दोबारा, 526 क्यों हो गया था? बेस में जब आपने कम यूनिट्स लिखे तो पर यूनिट इंक्रीज हो गया, बिकॉज के आपने नॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं किया। यहाँ हमने क्योंकि सारे यूनिट्स कंसिडर किए, इसे पर यूनिट वही है। तो जब ये पर यूनिट आ जाएगा तो देन सिंपली दूसरा काम आप क्या करेंगे? अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? 50 को मल्टीप्लाई बाय करें 500, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? 25,000।
जी सर जी, अब इसकी जरा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की एंट्री आपसे पूछनी है। मेक द थिंग सिंपल, लॉस है डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? लॉस डेबिट है, क्या क्रेडिट करूं सोच के बताएं। नहीं बेटा कैश नहीं है, खुदा 5 लाख की ऊपर जाके एंट्री बोलना था, देख रहे 5 लाख की एंट्री बोलना है। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, 5 लाख तो चला गया बेटा, लेकिन उन परचेजेस की जो 5 लाख की कॉस्ट है, अब आपने उसमें से कितना निकालना है? 25,000 निकालना है। ऐसी है ना, गुड्स का लॉस है यार, कहाँ से लॉस हो रहा है? रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा है। तो एंट्री लिखे इसकी, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्रेडिट। लेकिन साथ ही एक दूसरी भी लिख लें, अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस में से हुआ होता तो फिर क्या वर्ड होते हैं? कॉस्ट परचेज की जगह क्या होता है प्लीज? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस किस का सम होता है? हिम्मत 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 हिम्मत, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अगर फिनिश गुड्स बनाते हुए अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो मटीरियल का भी लॉस होगा, लेबर का भी लॉस होगा, ओवरहेड्स का भी लॉस हो रहा होगा। लेकिन अगर रॉ मटीरियल में से लॉस हुआ है तो शायद सिर्फ परचेज कॉस्ट का लॉस होगा। एंट्री समझ आ रही है? कितने से हुई? 25,000। बहरहाल इस केस में कॉस्ट ऑफ परचेज ही है, मैं जरा प्रोडक्शन कॉस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी थोड़ा सा फाइनल होता रहे। नहीं समझ आ रहा कहाँ से कहाँ फिगर आ गई है? परचेजेस से निकल के 25,000 लॉस में आ गया। परचेजेस जरा जहन में लाया, परचेजेस कितना टोटल था पहले? उसमें 5 लाख माइनस 25,000, तो नेट परचेज कितनी रह गई? 475,000 रह गई। एनी कंफ्यूजन? जिस तरह अगर ओनर गुड्स की ड्राइंग्स करे तो क्या एंट्री करते हैं आप? 55,000 जेब में लाए। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस में से ड्राइंग्स, तो परचेजेस में से लॉस हो रहा है, तो देयरफॉर व्हाट इज द डबल एंट्री? लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, बाकी ठीक है, नॉर्मल लॉस डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ परचेज क्रेडिट। अगर फिनिश गुड्स बनाते हुए लॉस हो जाता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट हो जाया करेगी। एनी कंफ्यूजन? दोबारा पढ़े इसका पॉइंट, कॉस्ट एलोकेट होती है और डबल एंट्री क्या होती है? बोला करें मुसलसल। जी गुड्स का लॉस है सर, हम सब गुड्स का लॉस है, इसलिए गुड्स के लॉस में से फिर गुड्स क्रेडिट होंगी, और गुड्स क्रेडिट होने का मतलब गुड्स की जो कॉस्ट है वो क्रेडिट होगी, परचेजेस की जो कॉस्ट है वो क्रेडिट होगी। आपने रॉ मटेरियल परचेज किए तो जो आपका रॉ मटेरियल था 1,000 रुपीज, 1,000 यूनिट्स, उसमें से फिर अब 950 गुड यूनिट्स है। अगर हम नेट परचेज कैलकुलेट भी करना चाहें तो कैलकुलेटर पर जरा लिखे 950 into 500। असल में अब 950 यूनिट्स रिमेनिंग रह गए ना, तो 950 यूनिट्स into 500 वही 475,000 मेरे ख्याल कैलकुलेट होगा। ठीक है, मतलब इसी में सेकंड पॉइंट लिखा, इफ नॉर्मल लॉस हैज रिकवरी वैल्यू, इफ एबनॉर्मल लॉस हैज रिकवरी वैल्यू, क्या मतलब? अगर ये एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स है 50 यूनिट्स, अगर इन्हें बेच के कुछ मिल सकता हो तो देन फिर इसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे? अच्छा वैसे इससे अगर मेरे ख्याल आपको कुछ पुरानी चीजें कुछ ज्यादा ही भूल रही हैं, कोई भी जरा अपना पिछला जरा नॉलेज अगर आप जहन में लाए, कभी आपने स्टॉक लॉस वर्ड सुना? स्टॉक लॉस, स्टॉक लॉस हो गया, क्या एंट्री करेंगे? लॉस डेबिट, स्टॉक वर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन इस अगली चीज भी ज़हन में लाए, फिर वो समटाइम्स स्टॉक जो है वो इंश्योर हुआ होता है। अगर लॉस स्टॉक के लॉस को इंश्योरेंस क्लेम ने कवर किया हो और कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा हो तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर कैश या रिसीवेबल या बैंक डेबिट और लॉस क्रेडिट होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का लॉस था, 80,000 रुपीज सपोज इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो फिर जो 20,000 का सिर्फ नेट लॉस है वो आपके प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो ये शायद उसी तरह की बात हो रही है, जो लॉसेज जो इस वक्त मैंने नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड की पहले डेबिट हो गया, अब अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है तो क्या रिकवरी वैल्यू होने से कुछ पैसे मिल जाने से
लॉस कम नहीं हो जाएगा? यस तो बिल्कुल उसी तरह से भी देख के अपनी एंट्री करवा। तो लेट्स अज्यूम फिगर अज्यूम करो, नहीं मतलब एक फिगर भी लिख रहा हूँ। लेट्स अज्यूम इतना सारा रहेगा जो भी अमाउंट होगा, लेट्स अज्यूम रिकवरी वैल्यू 6,000। किसकी रिकवरी वैल्यू? अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू एंट्री करेंगे आप। कितने रुपए का लॉस हो रहा था? 25,000। अब इस रिकवरी वैल्यू के मिलने से नेट लॉस कितना रह जाएगा? इसको कोई अलग अदर इनकम नहीं बनाते थे मेरा ख्याल, अगर आप तो सही डिवाइस कर लें शायद लॉस नेट हो जाता है। तो फाइनली डबल एंट्री बिकम्स कैश या रिसीवेबल डेबिट, कैश या रिसीवेबल डेबिट 6,000 एंड एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। एंड नेट लॉस ऑफ, एक लाइन भी लिखना, नेट लॉस ऑफ रुपीज 25,000 माइनस 6,000, नेट लॉस ऑफ रुपीज 19,000 एज अ डिफरेंस बिटवीन 25,000 एंड 6,000। विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, ये नेट 19,000 कहाँ नजर आएगा आपको? एक्सपेंसेस जरा आइडेंटिफाई कर दें एग्जैक्टली किधर। हाँ जी, अदर इनकम समवेयर, सेल कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समवेयर कर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितना फिर लॉस आएगा? इनवेटिंग एक्सपेंसेस स्पेसिफाई कर लिखा था। हाँ जी, इन्वेंट्री आपकी 475 रह जाएगी, आपकी परचेजेस 475 रह जाएंगे बादल, सही कह रहे हैं आप। लेकिन रिकवरी वैल्यू मिल जाने से, कुछ पैसे मिल जाने से आपका लॉस कितने से कम होके कितना रह जाएगा? एक नजर रिवाइज कीजिएगा जी, सेकंड पॉइंट दो हिस्से इसके हो गए ए और बी करके। क्या कॉस्ट एलोकेट होती है? अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट एलोकेट होती है सर, और अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो कहां से लेस होती है? लॉस से ही नेट होती है। अब इसमें मैं नॉर्मल अब नॉर्मल अभी मिक्स करना, मैंने दोबारा नॉर्मल में जाएगा, नॉर्मल लॉस के पॉइंट सहन में रखने आपने। नंबर वन कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नेट होती है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है और उसकी रिकवरी वैल्यू लॉस में से ही नेट होती है। अब नॉर्मल लॉस में से ही नेट होती है और नेट लॉस फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये जो 6,000 हमने अज्यूम किया है, ढूंढ के जरा बताएं सेकंड सिनेरियो में क्या ये 5,00,000 से लेस हुआ? ये कॉस्ट ऑफ परचेज से लेस नहीं होना, ये कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस से लेस होना। ठीक है, मेरी तरह जरा देख के बताएं दो पॉइंट्स, नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है? कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, रिकवरी वैल्यू कॉस्ट ऑफ परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट नेट होती है। अब नॉर्मल के दो पॉइंट्स, नंबर वन कॉस्ट एलोकेट होती है और अगर रिकवरी वैल्यू हो तो लॉस की कॉस्ट में से ही नेट होती है। थर्ड सिनेरियो बनाए, लेट्स अज्यूम ऊपर सेम डाटा चल रहा है लेकिन उसमें क्या चेंज है। लेट्स अज्यूम लॉस ऑफ 50 यूनिट्स वाज एक्सपेक्टेड, लेट्स अज्यूम लॉस ऑफ 50 यूनिट्स वाज एक्सपेक्टेड बट एक्चुअल लॉसेस एक्चुअल लॉस इज 60।
लेट्स अज्यूम लॉस इज लॉस ऑफ सॉरी कर इज रहने में सॉरी फॉर सेंटेंस सही बना लेना. लॉस ऑफ 50 यूनिट्स वाज एक्सपेक्टेड. लॉस ऑफ जरा सही कर दीजिए. लॉस ऑफ 50 यूनिट्स वाज एक्सपेक्टेड बट एक्चुअल लॉस इज 60 यूनिट्स. जी सर अब क्या करें? नहीं पहले तो ये क्लियर करें इसमें नॉर्मल है. ये 60 का ब्रेकअप करें. 60 में 50 तो एक्सपेक्टेड था तो 50 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है. और क्या नॉर्मल से ज्यादा हुआ है? कितना ज्यादा हुआ है? वो 10 यूनिट्स पे अब नॉर्मल लॉस ब्रेकअप करें. जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है ना प्लीज सारा. जी वैदुला सर जी सर जी अब अपने ट्रीटमेंट्स का डिजाइन में रखने हैं जो पहले पढ़े हमने नॉर्मल अब नॉर्मल के. और मुझे अब इस फाइनल सिचुएशन में आपने पर यूनिट की पहले वर्किंग करवानी है और कंसंट्रेशन प्लीज. व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? 5 लाख. अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी वाली होती और अब नॉर्मल की भी होती तो दोनों की माइनस कर देते. अगर नॉर्मल की होती तो उसे यहां से माइनस करते और अब नॉर्मल की अभी कुछ नहीं उसे पहले कॉस्ट से एलोकेट करते वहां से माइनस. लेकिन लेट्स अज्यूम रिकवरी वैल्यूज नहीं तो बाद में अज्यूम कर देते. अब ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 1000 की नहीं है, 1000 की है, 1000 ही की. लेकिन क्या 1000 यूनिट्स पे ही एलोकेट होनी है? 1000 में से जो 50 यूनिट्स है उन पे एलोकेट नहीं होनी और जो 10 है उस पे भी एलोकेट 50 पे नहीं होनी 10 पे होनी है. अच्छा एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा. मैं दो तीन सिनेरियोस बना रहा हूँ गौर से देखा जरा. मेरा तो ख्याल है कि बेस में 1000 यूनिट्स आए. नहीं नहीं मेरा मेरे ख्याल का मतलब अगर गलत है तो बता दो आप अपना बात बताइए. क्या ये मेरा ख्याल ठीक है? क्या मेरा ख्याल ठीक है? अगर इस तरह करूंगा तो नॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट एलोकेट हो जाए जो नहीं होनी चाहिए. मेरा ख्याल ये है कि 1000 यूनिट्स टोटल है और 60 यूनिट्स लॉस हुए हैं टोटल तो 940 यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट होगी. मेरे इस ख्याल में क्या मसला? नॉर्मल की भी और एबनॉर्मल की भी 950 यूनिट्स में दोनों लॉसेस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में चली जाएगी. तो फाइनली फिर क्या सही ख्याल है? क्या 940 पे कॉस्ट एलोकेट होनी है? होनी है और 10 पे भी होनी है. ये बेटा जो मैंने काम किया आपके सामने तीनों केसेस में जरा अपनी तीनों केसेस में बेस देखें जरा 1, 2 और 3 में मैं बेस में वो यूनिट्स लेता हूं जिन पे कॉस्ट आनी है. यकीनन आप सही कहने 950 है लेकिन मैंने 950 का ब्रेकअप किया. फर्स्ट सिनेरियो कितने यूनिट्स पे कॉस्ट आनी थी? 950 पे आनी थी. सेकंड सिनेरियो में कॉस्ट कितने पे आनी थी? 1000 पे लेकिन 1000 का मैंने ब्रेकअप किया और फाइनली मैंने यहाँ 950 ही लिखा है लेकिन 950 का मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 950 के अंदर क्या क्या है. क्या क्या है 950 के अंदर? कुछ रिमेनिंग गुड यूनिट्स भी हैं और कुछ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी हैं. तो बेस में कौन से यूनिट्स आप लिख दें जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है? लिख लें. पर यूनिट का आंसर बता दें नोट करके. 526.32 पर यूनिट. प्लीज अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपस में नहीं, अभी आपस में बड़ा इसलिए नहीं क्योंकि अभी आप भी जरा नीम अकाउंटेंट है वो भी नीम तो ये मसला हो जाएगा. तो प्लीज मेरे से पहले रिजॉल्व कर लें आपस का मसला कहीं ज्यादा खतरनाक जगह पर ना पहुंच जाए. जी जी बहुत ध्यान दी यार. 960 बेटा कहाँ से आके यार. 960 से कर लेते हैं. भाइयों से पूछ रहे थे 960
960 वैसे कैसे बनाया आपने? प्लस 10 क्या मतलब? 950 में 10 ऑलरेडी है, यही तो गलती की है ना। 950 में क्या निकला है? नॉर्मल निकाल दिया आपने, 1000 से शुरू करना था, 1000 में से 50 निकाल दिए तो 950 रह गया। अब क्या इस 950 में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी हैं और रिमेनिंग भी हैं, या अब इसमें 10 प्लस करूं? अगर 940 ले रहा हूं तो फिर 10 प्लस हो रहा है। 940 क्या किया मैंने? मैंने पहले सारा लॉस निकाल दिया, 60 टोटल लॉस है, मैंने सारा निकाल दिया और फिर उसमें 10 कौन सा जमा कर दिया। तो अगर आप 950 ले रहे हैं तो फिर उसमें प्लस 10 नहीं करेंगे। 950 के अंदर ऑलरेडी क्या क्या है, क्या क्या है? गुड यूनिट्स भी हैं और एबनॉर्मल लॉस भी है। 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस अगर आप निकाल देंगे तो रिमेनिंग दोनों चीजें तो फिर रह जाएंगे। तो या 950 लिखें या 940 प्लस 10 लिखें। मैं वैसे इंटरेस्टेड इसी में होऊंगा कि आप 940 प्लस 10 लिखें। वैसे 940 क्या फाइनल बता दे रहा हूँ, गुड यूनिट्स हैं और 10 एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, तो वो रिमेनिंग यूनिट्स नॉर्मल लॉस के अलावा है, वो 950 बेस में आ रहे हैं। क्लियर है? तो और कंफ्यूजन किसी का? जी सर, अभी पर यूनिट आ गया, इस पर यूनिट की बेस पे किसी लॉस को कॉस्ट देनी है? इस पर यूनिट की बेस पे किसी लॉस को कॉस्ट एलोकेट करनी है। अच्छा सॉरी, 960 नहीं, बेस में आप लोगों ने क्या लिखा हुआ? मेरी इस रिक्वेस्ट पे 940 प्लस 10 करके लिखें ताकि एग्जैक्टली नजर आए इस 526.32 की कॉस्ट कहां कहां एलोकेट होनी है। 940 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गुड यूनिट्स की कॉस्ट भी आ जाएगी, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की भी कॉस्ट आ जाएगी। तो नेक्स्ट एक लाइन बना लें, कॉस्ट ऑफ, पहले एबनॉर्मल लॉस की बेस रहा फाइनल कर लो, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैसे वर्किंग करूं, फिगर्स बोले क्वांटिटी बोले? 10 × 526.32, ये जिसमें मैंने बेस बनाई है, इस बेस बनाने का फायदा ये है कि अब जो भी पर यूनिट आया उसने इन्हीं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होना, 940 से मल्टीप्लाई करके गुड यूनिट्स की और 10 से मल्टीप्लाई करके अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। बताइए कांडी, 5263 कर ले बस, रुपीज में राउंड ऑफ करें। आया क्या ये? इसकी एंट्री लिखें, बहस खत्म करें। क्या लिखें 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 लिखें? अब नॉर्मल लॉस डेबिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्रेडिट, लेकिन क्या भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि लॉस परचेजेस से हो रहा है या प्रोडक्शन से हो रहा है। फाइनली एनी कंफ्यूजन? अगर इस सब नॉर्मल लॉस के 10 यूनिट्स की कॉस्ट होती, सॉरी इस नॉर्मल लॉस के 10 यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू होती तो फिर क्या करते हैं आप? माइनस की जगह एक एंट्री बोल दे जरा, फिर कैश डेबिट करते और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट करके 5263 में से माइनस करते। नॉर्मल लॉस की अगर रिकवरी वैल्यू होती दोबारा ढूंढे 500000 में से माइनस करते। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। और अगर एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट में से नेट होना। इंशाल्लाह क्वेश्चन अभी स्टार्ट करना है, आप लोग कैंडी जो किया भी, अब इसमें एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि एबनॉर्मल जो हमारा एक्चुअल लॉस है, पॉइंट नंबर 3 जरा देखें, एक्चुअल लॉस है वो नॉर्मल लॉस से कम हो जाए, एक्सपेक्टेशन से लॉस। मैंने इसे कहा था कौन कौन से सिनेरियोस कवर किए हैं जरा, पॉइंट 1, 2, 3 देख के बताएं जरा। पहला 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 जो एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल हुआ, दूसरा एक्सपेक्टेड था ही नहीं और एक्चुअल हो गया, तीसरा एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया, एक रह गया सिनेरियो वैसे एक्सपेक्टेशन से अगर कम हो गया तो फिर वो ट्रीटमेंट अभी मैंने छोड़ा, वो इंशाल्लाह थोड़े से और बड़े हो जाए तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेशन से कम लॉस भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन से कम लॉस भी हो सकता है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहां तक रिवाइज करने जो हुआ मेन मेन पॉइंट्स जरा बोल लें दोबारा, ए बी सिनेरियो में जो ट्रीटमेंट्स हुए अपने आप को सुना लें, क्योंकि यही की वर्ड्स हैं हमेशा ध्यान में रखने हैं अपने यहां से आगे।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज